अरे रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदना व नबीना व शफीए ज़ुनूबिना व तबीबे नुफूसना मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद सुम्मस्सलातु अला वलीही व वसीही व वज़ीरही व अमीनह अशरफुल इज्जतही बाबुल हिकमतो नातिकुल हज सैयदुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब गालिब मिन कुल गालिब मतलूब कुल तालिब इमामिल मशारिके वल मगारिब फातिहे बाब खैबर कातिले मरहबो अंतर वालिद शब्बीर व शब्बर आला फीशान ही ज़रवतो अलीयिन यौमल खंदक अफजलो मिन इबादतिस सकलैन व मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन व लअनतुद्दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد آپ حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حم تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید نور الحسن ابن محمد عسکری रईस बानो बिनत शौकत हुसैन मोहम्मद तकी इब्न नूरुल हसन सैयद आफ्ताब हुसैन इब्न नूरुल हसन की रूह को ईसाल फरमा ये सलवात पढ़े मोहम्मद व आल मोहम्मद खुदा का लाख लाख शुक्र है कि माबूद हकीकी ने हमें और आपको ये तौफीक दी किस नूरानी बारगाह में हाजिर होने का शरफ़ पैदा किया। यकीनन ये बहुत बड़ी बारगाह है और यहाँ वही आता है जिसके शामिल हाल तौफीक इलाही होती है। सूरह इसरा आयत नंबर 70 जिसकी तिलावत की है खालिक कायनात इस आय करीमा में इरशाद फरमा रहा है लकद करमना बनी आदम हमने बनी आदम को मुकर्रम किया इन्हें फजीलत अता की और हमने इनको खुशकी और तरी में सवारियां अता की और हम ही ने इनको पाको पाकीज़ा रिज्क अता किया और हम ही ने इनको अपनी बहुत से मखलूकात पर फजीलत दी जैसा कि फजीलत देने का हक था। इस आय करीमा में इंसानों की फजीलत अशरफ़ मखलूकात होने को खुदा बयान कर रहा है। अल्लाह ने
बहुत सी मखलूकात को खल्क किया, लेकिन कभी भी खुदा ने यह नहीं कहा कि मैं अहसनुल खालिकीन हूँ। लेकिन जब अल्लाह ने हम इंसानों को खल्क किया तो अल्लाह ने अपने आप को अहसनुल खालिकीन का यानी सबसे बेहतरीन मखलूक को खल्क करने वाला कौन है? खुदा है। तमाम मखलूकात में सबसे अहसन अल्लाह ने किसी को बनाया है तो हम इंसानों को। लेकिन इसी के साथ साथ अल्लाह ने अख्तियार दिया है कि यह बंदा चाहे तो मलाइका से अफजल हो सकता है और चाहे तो उलाइका कल अनआम बल हम अज़ल्लहु सबीला की मंजिल में आ जाए। यानी अल्लाह बहुत से इंसानों के लिए कह रहा है कि ये जानवर हैं, बल्कि जानवरों से भी पस्त है। अब ये हमारे हाथों में है, हम चाहें तो अपने आप को मलाइका से अफजल बना सकते हैं और चाहें तो जानवरों से भी पस्त बन सकते हैं। यकीनन जब पैदा करने वाले ने ईजाद की मंजिल में कदम रखा तो किसी को पस्त बनाया तो किसी को बुलंद, किसी की मंजिलत कम रखी तो किसी की ज़्यादा, अफलाक को बुलंदी अता किया तो ज़मीन को पस्ती, सूरज में गर्मी करार दी तो चाँद में खुनकी, रात को जुल्मत का लिबास पहनाया तो दिन को नूर का, पत्थर को सख्त बनाया तो पानी को नर्म पैदा किया, किसी को जानदार पैदा किया तो किसी को बेजान पैदा किया। लेकिन अल्लाह की जितनी भी मखलूकात हैं, थोड़ी सी मुकदमाती बातें हैं, तवज्जो करिएगा, जितनी भी मखलूकात हैं अल्लाह की, उनमें जो जानदार हैं वो बेजान से अफजल हैं। यानी जो साहिब हयात हैं, जिनके अंदर हयात पाई जाती है, वो उन मखलूकात से अफजल है जिनके अंदर हयात नहीं पाई जाती है। फिर साहिब हयात में वो अफजल हैं जिन्हें अल्लाह ने अक्ल और शऊर अता किया है। जब अक्ल और शऊर की कैद हमने लगा दिया तो सारी मखलूकात अल्लाह की छट गई। यहां पे सिर्फ तीन मखलूकात बची हैं, एक जिन्नात, एक मलाइका, तीसरे हजरते इंसान। ये सिर्फ तीन मखलूकात हैं जिन्हें अल्लाह ने अक्ल और शऊर अता किया है। लेकिन अजीजो इब्तिदाए खिलकत में तीनों मखलूकात ने एक बस में जमा होकर यह बता दिया कि देखो जिन तो शैतान बनने के काबिल है, मलक इंतहाई फजीलत के बावजूद नबूवत के लिए ना अहल है। इंतखाब कुदरत ने इन्नी जाएलुन फिल अर्ज खलीफा कहकर जिस जात को अपनी नियाबत के लिए छाटा है वो जात सिर्फ इंसान की है। और पहला इंसान इतना बुलंद हुआ कि नबूवत के दर्जे पर फायज हुआ, नबूवत के तख्त और ताज से सरफराज हुआ, जन्नत में रहने का मुस्तहक हुआ। लेकिन जब इस मंजिल पे औलाद आदम ने कदम रखा तो कोई हाबिल बनकर अबुल बशर का लख्ते जिगर बना, किसी ने काबिल बनकर अपने किरदार को जलील किया। थे दोनों जनाबे आदम की औलाद, एक नबी के बेटे थे कि नहीं थे, लेकिन जाती किरदार ने जलील किया। सिलसिला तनासुल और आगे बढ़ा तो जनाबे नूह, जनाबे इब्राहिम, जनाबे मूसा ने नस्ल अंबिया की अफजलियत दिखलाई तो फिरौनो, हामानो, कारूनो, शद्दादो, नमरूद ने अपने बदतरीन किरदार की बिना पर तबाह और हलाक और बर्बाद होकर अपनी पस्तियों और जिल्लतों का ऐलान किया। बहरहाल ये जो दो तकसीम हमने आपके सामने बयान की, इससे इतना वाजे हो गया कि इंसानों की जात में बुलंदियां हैं। मैं आज जिस मौलूदे हरम का आपसे तारुफ कराना चाह रहा हूं, ये वही बुलंद निगाह, आली मंजलत, नस्ल इब्राहिमी का शरफ जिसका नाम इंतखाब कुदरत ने अली रखा है। अजीजों, हम लोग
हम इंसान, हम दुनिया के लोग जब किसी का नाम रखते हैं तो मुनासिबत का लिहाज नहीं रखते हैं। आलिम को जाहिल कह दिया, जाहिल का नाम आलिम रख दिया, मोमिन का नाम मुनाफिक रख दिया, मुनाफिक का नाम मोमिन रख दिया, एक सच्चा इंसान उसका नाम काजिब रख दिया, एक आदमी रात दिन झूठ बोलता उसका नाम सादिक रख दिया, जबकि सच से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता है, लेकिन जब पैदा करने वाला नाम रखता है तो सारी मुनासिबत को देख के नाम रखता है। उसने जब मोहम्मद को हर मद का मुस्तहिक पाया तो नाम महमूद रखा, और हैदर कर्रार को हर काम में बुलंद देखा तो नाम अली रखा। नाम अली रखा जिसके माने ही बुलंदी के हैं। भाई मेरे मौला का नाम भी बुलंद है। अच्छा अजीजो, हसब नसब नस्ल के एतबार से अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में अरब, अरबों में कुरैश, कुरैश में बनी हाशिम, और मौलाए कायनात पहली वो फर्द हैं जिनके माँ बाप दोनों हाशमी थे। चाहे सिलसिला नसब आप जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम की जानिब से देखें या बीबी फातिमा बिनते असद की जानिब से। अब उसके बाद देखें खुदा कैसे अजमत को बढ़ा रहा है। एक एक जुमले पे मैं तवज्जो चाहूंगा अजीजो। अगर जनाबे आदम को इल्म मिला तो मीरा से इल्म अली में आई। जनाबे नूह ने सफीने से ईमानदारों को नजात दिलाया तो सफीने आले मोहम्मद के ना खुदा अली हुए। जनाबे ईसा को अफलाक की बुलंदी मिली तो मेरे मौला को दोशे रसूल पर मेराज हासिल हुई। अगर जनाबे मूसा ने बाएजाज़े नबुवत अज़दहे को पैदा किया तो मेरे मौला ने गहवारे में कल्ले अज़र को चीर के रख दिया। अगर जनाबे अबू तालिब नासिरे रसूल हुए तो मौलाए कायनात भी नासिरे रसूल हुए। अगर अब्दुल मुत्तलिब को सरदारी मिली तो मौलाए कायनात सैयदुल औसिया हुए। अजीजो, अगर जनाबे अब्दुल मुत्तलिब सरदार बने तो मेरा मौला भी सरदार बना। किसका? वलियों का सरदार। और जनाबे अबू तालिब नासिरे रसूल बने, क्यों? इसलिए कि रसूले उम्मी की नुसरत किया कि नहीं किया। अजीजो, अगर जनाबे अबू तालिब ने नुसरत रसूल करके नासिरे रसूल अपने आप को कहलवाया है तो मेरे मौला ने यहां तक किया कि नादे अली अपनी शान में उतरवा ली। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाल मोहम्मद का। अब उसके बाद खुदा ने मौला की फजीलतों को और बढ़ाया और खाने काबा में पैदा होने का शरफ अता किया। आज भी खाने काबा की दीवार में वो दरार मौजूद है जहां से मौलाए कायनात के लिए रास्ता बना था। बोलो उसकी मुजद्दत तामीर हुई हो, कुछ भी हुआ हो, लेकिन वो निशान आज तक कोई मिटा नहीं सका। दौरे जदीद में सऊदी की हुकूमत ने उस निशान को मिटाने के लिए, चूंकि बड़े बड़े इंजीनियर हार चुके हैं, किसी केमिकल से उस निशान को मिटा नहीं सके, लिहाजा फ्रांस के एक बहुत बड़े इंजीनियर को बुलाया गया और उसको जब दरार दिखाई गई, निशान दिखाया गया, कहा भाई इसको मिटाना है, तो देख के एक मरतबा हंसा, इतने छोटे से काम के लिए मुझे फ्रांस से बुला लिया, मेरे किसी शागिर्द को बुला लिया होता वो भी आके इसको सही कर देता। तो उससे कहा गया भाई पहले जो काम दिया गया उसको मुकम्मल कर लो, उसके बाद लंबी लंबी बातें छोड़ना। अजीजों, उसने अपना काम शुरू किया, वो एक से एक केमिकल का इस्तेमाल करता गया लेकिन निशान को नहीं मिटा सका। आखिर में उसने पूछा भाई इस निशान की तारीख क्या है, ये निशान आया कहां से? तो लोगों ने मौलाए कायनात की विलादत का वाकया उसके सामने बयान किया तो उसने कहा भाई तुम लोगों ने मुझे खुदा के मुकाबले में ला के खड़ा कर दिया है। भाई जिस निशान को खुदा बचाना चाहे, मेरी क्या हैसियत है कि मैं मिटा सकूं? तो अजीजों, हम यहां से इतना पैगाम देना चाहेंगे, ऐ दुनिया वालों, जब दुनिया वाले मिलकर खाने काबा के मौला के विलादत के एक निशान को नहीं मिटा सकते हैं तो उनके चाहने वाले फकीरों को दुनिया क्या मिटाएगी? एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाल मोहम्मद पर।
लिहाजा अजीजो अल्लाह ने खाने काबा में पैदा होने का शरफ अता किया और मौलाए कायनात से पहले और आज तक और कयामत तक इंशाअल्लाह कोई खाने काबा में पैदा नहीं हो सकता है। ये शरफ सिर्फ मेरे मौला का है, ये शरफ अल्लाह ने सिर्फ मौला को अता किया। दीवार काबा शक हुई, मंशाए बारी ताला ने अंदर आने की इजाजत दी, या सदफे काबा उस गौहर को जो दुनिया का नायाब गौहर है अपने दामन में लेने के लिए शक हुआ। अजीजो बहरहाल जो भी वाकया हुआ हो, इसमें कोई शक नहीं है कि खाने काबा मेरे मौला का जचा खाना बना। भाई जचे की खिदमत किसने की? आसिया ने की या मरियम ने की या हूरों ने बढ़ के गोद में उठाया? कौसर का पानी गुस्ले मौलूद के लिए आया, सबील ने आरजू बढ़ाई। मैं राजे कुदरत को क्या जानूं कि भाई वहां मेजबानी के इंतजाम क्या थे, इसलिए कि माँ पर माँ बेटे के अलावा कोई तीसरा नहीं था। ये मेहमान थे और अल्लाह सा रहीम व करीम मेजबान था। भाई जब अल्लाह मेजबान हो तो मेजबानी के क्या क्या इंतजाम ना हुए होंगे। लिहाजा अल्लाह ने इस्मत को एक हसीन लिबास पहनाया, मौला की आंखों को ऐनुल्लाह बनाया, चेहरे को वजहुल्लाह बनाया, कानों को उज़्नुल्लाह बनाया, जबान को लिसानुल्लाह बनाया, हाथों को यदुल्लाह बनाया। और तीन दिन के बाद जब मेहमान नवाजी की हद तमाम हुई तो फातिमा बिनते असद फिर उठी, अपनी आगोश में मुस्कुराता हुआ बच्चा लेके चली, फिर दीवार काबा शक हुई। इधर पैगंबर इस्लाम पहले ही से अपने भाई के मुंतजिर थे, माँ की आगोश में शव के दीदार रसूल मुस्कुराता हुआ बच्चा किबले इस्लाम से बाहर आया। जैसे ही खुशबुए रसालत सूंघी, हुमक कर आगोश रसालत में आ गए। रसूल खुदा की ज़ियारत करने के लिए पहली बार अली ने आंखें खोली, जमाले बा कमाले हबीब खुदा को देखा तो मुस्कुरा दिए। गिज़ाए रूहानी के लिए दहन खुला, भाई ने भाई का दिल न तोड़ा। रसूल ने फौरन अपनी जबान अली के दहन में दे दी। अजीजो कहने को दिल चाहता कहूं, दहन दो थे मगर जबान एक थी, दहन दो थे मगर जबान एक थी, लफ्ज़ मुतअद्दिद थी मगर मतलब एक था, नबुवत और इमामत में फर्क था मगर बात एक ही थी। लुआबे दहने रसूल सीने अली में आया और सीने अली बाबे हिकमत बना। अब समझे क्यों मौला कायनात ने फरमाया हाजा मा जक्कनी रसूलुल्लाह जक्कन जक्का, ये मेरा इल्म वो है जो रसूल अल्लाह ने यूं भराया है जैसे कोई परिंदा अपने बच्चे को दाना चुगाता है। देखिए परिंदे की खासियत ये होती है कि जब वो दाना लेता है तो साबित लेता है, और वैसे यानी रसूल अल्लाह जो मौलाए कायनात को इल्म अता कर रहे हैं जैसे खुदा से ले रहे हैं वैसे ही मौला की तरफ मुंतकिल कर रहे हैं। अजीजो इधर जब आगोश रसालत में मौलाए कायनात आए तो आने के बाद कहते या रसूल अल्लाह क्या तौरात की तलावत करूं, इंजील की तलावत करूं, जबूर पढ़ूं, कुरान मजीद की तलावत करूं। आज दुनिया एतराज करती है कि भाई तीन दिन का बच्चा कुरान मजीद की तलावत कैसे कर सकता है, अभी तो कुरान मजीद नाजिल भी नहीं हुआ, रसूल अल्लाह ने नबुवत का ऐलान भी नहीं किया, उनके बकौल 40 साल के बाद जनाब जिब्राइल आएंगे, सीना चाक करेंगे, कसाफतों को निकालेंगे, तब नबुवत मिलेगी। लेकिन मौला तीन दिन के हैं और कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अजीजो याद रख के हमारे यहाँ जो सवाल किया जाता है, कोई क्विज होता है, मुसाबिका होता है, तो बच्चों से सवाल किया जाता है बताओ कुरान कितने साल में नाजिल हुआ, बच्चे जवाब देते हैं 23 साल में। लेकिन कुरान दो बार नाजिल हुआ, फिर खुदा क्यों कुरान में कह रहा इन्ना अंजलना हो फी लैलतिल कद्र, हमने कुरान को शबे कद्र में नाजिल किया है, आप कह रहे हैं 23 साल में कुरान नाजिल हुआ। देखें कुरान का नुजूल दो बार हुआ, एक दफ़ई है एक तदरीजी है। मौलाना अशरफ साहब मौजूद हैं, बाद में तफसील उनसे पूछ लीजिएगा दफ़ई और तदरीजी की, चूंकि यहाँ के इमाम जुमा है वो आपके सामने बेहतर बयान करेंगे। कुरान एक मरतबा दफ़ई पूरा कुरान कल्बे पैगंबर पे नाजिल हुआ और उसके बाद जरूरत के मुताबिक आयतें आती रहीं।
वरना खुदा क्यों कह रहा है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को शबे कद्र में नाजिल किया। तो अजीजो अब यहां पे सवाल ये उठता है कि मौलाए कायनात ने चारों किताबों की तिलावत की कैसे। तो अजीजो हम उन्हें ये बयान करेंगे कि जब जनाबे ईसा की विलादत का वक्त करीब आया, जनाबे ईसा की विलादत हुई, भाई जनाबे मरियम की शादी नहीं हुई थी। यहूदियों ने एतराज किया कि नहीं मरियम, ना तुम्हारा बाप बुरा था, ना भाई ना माँ, ये तुमने कौन सा फेले बद अंजाम दिया। अल्लाह ने कहा खामोशी का रोजा रखना, इशारा बच्चे की तरफ कर देना। अब ये लोग आए जनाबे ईसा के पास, जब इशारा किया तो जनाबे ईसा ने क्या कहा, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे किताब अता की है और नबी बना के भेजा है। अजीजों यहां पे एक सवाल का जवाब देना है, जो लोग कहते हैं कि जनाबे अबू तालिब काफिर थे, अगर उन लोगों ने इस आयत को समझ लिया होता कभी एतराज ना करते। भाई यहां पर बात जनाबे मरियम की इस्मत पे आ रही है और जनाबे ईसा कहीं अपनी मां का दिफा नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। ये नहीं कहा कि मेरी मां पाक को पाकीजा है, जनाबे ईसा ने कहा मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने नबी बना के भेजा है और अपनी किताब अता की है। तो इस जवाब से पता चलता है कि एक नबी और इमाम कभी भी एक काफिर से पैदा हो ही नहीं सकते हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अजीजो अब मुझे यहां पे कहने दीजिए, जो लोग एतराज करते हैं कि मौलाए कायनात ने 3 दिन की उम्र में कैसे चारों किताबों की तिलावत कर दी, अरे भाई जनाबे ईसा गहवारे में गुफ्तगू कर सकते हैं, कलाम कर सकते हैं। मेरा वो मौला जो जनाबे ईसा का भी मौला हो, वो चारों किताबों की तिलावत क्यों नहीं कर सकता। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाल मोहम्मद पर। अच्छा अजीजो एक बीबी का और जिक्र मिलता है, जनाबे मरियम का इतनी बुलंद बाला मकाम रखती थी बीबी कि बैतुल मुकद्दस में इबादत करती थी कि नहीं करती थी। एक नबी जनाबे जकरिया को अल्लाह ने लगाया कि उनके लिए खाना वगैरह लेके जाएं, लेकिन जब भी आप कुरान में जाके देख लीजिए, जनाबे जकरिया खाना लेके आते थे तो देखते थे पहले से खाना मौजूद है, पूछते थे खाना कहां से, कहा ये मेरे खुदा की जानिब से, इन्नल्लाह यरज़ुको मन यशाउ बगैर हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता बगैर हिसाब के रिस्क देता है। यानी बीबी मरियम के लिए जन्नत से खाना आया करता था, लेकिन जब जनाबे ईसा की विलादत का वक्त आया तो आवाज कुदरत आई, मरियम ये इबादत की जगह है, ये सच्चा खाना नहीं है। निकली जनाबे मरियम और रूहुल्लाह की विलादत दरख्त के साए में हुई, और जब विलादत हुई तो जनाबे मरियम को भूख लगी, कहा बारे ला मुझे भूख लगी है। आवाज कुदरत आई, मरियम जाओ खजूर के दरख्त को हिलाओ, उससे खुरमे गिरेंगे, उसको खाना। जनाबे मरियम ने कहा बारे इलाह कल तक जब मैं सेहत याब थी, बदन में जोफ नहीं महसूस होता था, तो तू जन्नत से खाना भेजा करता था, आज मेरे यहां विलादत हुई है, मैं कमजोरी महसूस कर रही हूं, तू मुझे जहमत दे रहा है। आवाज कुदरत आई है, मरियम अभी तक तुम्हारे दिल में सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत थी, लेकिन अब तुम्हारी मोहब्बत बढ़ गई है, इस बच्चे की भी मोहब्बत तुम्हारे दिल में आ गई है, लिहाजा अब अपने रिस्क के लिए खुद तलाश करनी पड़ेगी, मगर कुर्बान जाऊं मौलाए कायनात की मोहब्बत पे। भाई अगर अली और औलादे अली की मोहब्बत किसी के दिल में पैदा हो जाए तो इनके घर की कनीज पिज्जा भी जब चाहे जन्नत से खाना मंगवा ले। सलवात पढ़े मोहम्मद वाल मोहम्मद पर। अच्छा अच्छा अजीजों वजह क्या थी कि इमाम हसन इमाम हुसैन
जब चाहते थे जन्नत से लिबास मंगवा लेते थे, जब चाहते थे खाना मंगवा लेते थे। अजीजो रसूलल्लाह ने क्या फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। जन्नत के मालिक हैं कौन? आप देखें, मैं मिसाल के तौर पर मिसाल दे रहा हूं कि हम कहीं बाहर से, बंबई से नहीं, मान ले बाहर से आए यहाँ पे अशरा या खमसा पढ़ने के लिए, मुल्ला जी के मेहमान हुए, मुल्ला जी ने बेहतरीन इहतमाम किया हमारे रहने के लिए, बेहतरीन रूम, बेहतरीन बिस्तर लगाया, बेहतरीन तौलिए के इंतज़ाम, साबुन शैम्पू, एक केतली भी ला के रख दिया बेहतरीन जापानी चाय पीने के लिए, बेहतरीन कप फ्रांस का मंगा के रखा कि मौलाना इसमें चाय पियेंगे। अच्छा, हम चाय जब तक रहे चाय पीते रहे, तौलिए को जो है इस्तेमाल करते रहे, साबुन से नहाते रहे, शैम्पू से नहाते रहे, न मुल्ला जी ने कभी एतराज किया, न इनके नौकर चाकरों ने एतराज किया कि मौलाना ये क्या कर रहे हैं, क्यों नहा रहे हैं साबुन से, क्यों तौलिए को इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, जब 10 दिन मुकम्मल हो गया ना, हम जाने लगे, हमने कहा भाई कब बड़ा अच्छा है, लाएं इसको भी समेट लें, ना तौलिया बड़ी खूबसूरत है इसको भी रख लेते हैं, केतली भी बड़ी अच्छी है भी ले चलते हैं इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही हमने सब समेटना शुरू किया तो इनके नौकर ने टोक दिया, इनके नौकर ने टोक दिया कि मौलाना ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा भाई हम इस्तेमाल कर रहे थे, ले जा रहे हैं। उसने कहा मौलाना आप मेहमान हैं, जब तक यहां हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लेके नहीं जा सकते। आप देखें जनाब आदम की मिसाल कि जनाब आदम जन्नत में थे कि नहीं थे, भाई हर चीज खाते रहे कि नहीं जन्नत की, लेकिन जब आने लगे तो जन्नत का लिबास तक अल्लाह ने उतरवाया कि नहीं जनाब आदम से। क्यों? जनाब आदम मेहमान बन के गए थे जन्नत में, आने लगे तो अल्लाह ने सब ले लिया। इसी तरीके से जब हम जाने लगे तो इनके नौकर ने टोक दिया, मौलाना जब तक यहां रहिए इस्तेमाल करिए, मगर ले जाने की इजाजत नहीं है। अच्छा, उसने सब कुछ रखवा लिया। मुल्ला जी ने हमें फोन किया कि भाई, नौकर को भी फोन किया कि फला जगह स्विमिंग पूल पे लेके आओ मौलाना को, वहां पे पहले स्विमिंग पूल में नहाएंगे, मौलाना को बेहतरीन होटल में खाना खिला के तब रुखसत करेंगे। अब यही मुल्ला जी ने नौकर को फोन किया कि भाई वो तौलिया भी लेके आओ, कप भी लेके आना, केतली भी लेके आना, उसी में यहाँ चाय पियेंगे, साबुन शैम्पू सब चीज लेकर आना। वही गुलाम जिसने हमको रोका था, वही नौकर जिसने टोका था, वही लेके तौलिया भी आ रहा है, साबुन भी लेके आ रहा है, कप भी लेकर आ रहा है। हमने कहा भाई अजीब मसला है, अभी तक तुम रोक रहे थे, अब तुम खुद लेकर आए हो। कहा भाई सुनो, भाई सुनो, आप मेहमान हैं, मुल्ला जी मालिक हैं, मालिक चाहे जन्नत में रह के जन्नत की चीज यूज करे या जन्नत के बाहर आ जाए, भाई हसन और हुसैन जन्नत के मालिक हैं कि नहीं हैं? हसन हुसैन चाहे जन्नत में रह के इस्तेमाल करें या इस दुनिया में मना के इस्तेमाल करें। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद का। अजीजो मौलाए कायनात माँ की आगोश में चुप थे, जैसे ही रसूल की आगोश में आए बोल पड़े, यानी मकान बदलने से मकीन बदला, रहल बदलने से किताब बदली, शाख बदलने से समर बदला। अजीजो अगर माँ की आगोश में कुरान सामित थे, जैसे ही रसूल अल्लाह की आगोश में आए कुरान नातिक बन गए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाल मोहम्मद का। अजीजो आप देखें कि इस्लाम मौलाए कायनात के साथ को यह लकब क्यों अता कर रहा है, करमल्लाह वजहू। अल्लामा शुबलंजी ने अपनी किताब नूरुल अफसार में एक रवायत नकल की है कि जब अली बतने मादर में थे और फातिमा बिनते असद किसी गैर खुदा के सामने सजदा करना चाहती थी, तो अली बतने मादर में यूं बेचैन हो जाया करते थे कि फातिमा बिनते असद किसी गैर खुदा के सामने सजदा नहीं कर सकती थी। हम इस रवायत को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। क्यों? इसलिए कि शियों का अकीदा यह है
हम शियों का अकीदा क्या है कि अंबिया और औलिया खुदा अइम्मा कभी भी नजिस सुलबों से पैदा नहीं होते हैं। ये जो कुरान में आजर को जनाब इब्राहिम का वालिद कहा गया है, बाप के लफ्ज से याद किया गया, असल में चचा है, वालिद नहीं। जाके तफसीर में देख लीजिएगा जो मुफस्सरीन ने बयान किया है, कभी भी नजिस सुलबों से ये मुंतकिल नहीं होते हैं। लेकिन अजीजो, इस रवायत ने इतना तो वाज़े कर दिया कि अली ने बतने मादर में पहचान लिया था लतीफ कौन है, खबीर कौन है, अलीम कौन है, कसीफ कौन है, सजदा करने के काबिल कौन है, ठुकरा देने के काबिल कौन है। तो अजीजो, वो अली जिसका इल्म बतने मादर में वे हो कि वो पहचान ले लतीफ कौन है, खबीर कौन है, अलीम कौन है, सजदा करने के काबिल कौन है, ठुकरा देने के काबिल कौन है, तो अली अगर अपनी विलादत के बाद रसूलल्लाह के हाथों पे आके चारों किताबों की तिलावत कर दे तो कौन सा ताज्जुब हो रहा है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाद मोहम्मद पर। अच्छा अजीजो, मौलाए कायनात क्या है, आप देखें कि ये जो दीवार काबा शक हुई ना, हमारे यहां कोई गैर मामूली काम वाके हो जाए, ये बताएं कोई वहां पे रहेगा। मौलाना वसीम साहब हमारे साथ पड़े हुए, वो भी तशरीफ रखते हैं। फैजाबाद में मस्जिद है जिसे गुसल खाने की मस्जिद कहा जाता है, वहां मुर्दों को गुसल दिया जाता है। किसी का इंतकाल हुआ था, मगरिब का वक्त हो गया, लोगों ने कहा चलो पहले नमाज पढ़ लेते हैं उसके बाद गुसल देंगे, उसके बाद गुसल देंगे। एक साहब थे, वो बहुत दिलेर थे, उनको मैयत के पास छोड़ा गया। अच्छा आप देखें, जब तक इंसान जिंदा रहता हर कोई साथ रहता है, लेकिन एक रूह क्या निकल गई, लोगों को वहशत महसूस होने लगती है। जब सब नमाज पढ़ने चले गए तो उनको मजाक सूझा, वो ताबूत जिसमें मैयत थी उन्होंने खींच के दूसरी तरफ कर दिया और दूसरा ताबूत वहां पे रख के उसमें लेट गए, चादर डाल के आराम से उसी में लेट गए। लोग नमाज पढ़ने के बाद जब आए, चादर हटाया कि चले गुस्ल दिया जाए, बस ये उठ के बैठ गए। अब जितने लोग आए थे सब एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे भागने में, कितने लोग तो घर जाके रुके, कितने लोगों को बुखार चढ़ गया, तीन दिन के बाद उन लोगों का बुखार उतरा। भाई ये गैर तबीयी चीज है कि नहीं है? या हमारे दोस्त अलीपुर के हिफाजत साहब, मौलाना हिफाजत साहब बयान कर रहे थे, हमारे यहाँ रात में तदफीन हुई, मौलाना दूसरी तलखीन, ये तलखीन भी बड़ा सख्त मरहला है, याद रखिएगा। अच्छे अच्छे लोग तैयार नहीं होते तलखीन पढ़ने के लिए, इसलिए कि अपने यहाँ जो जंगल में कब्रस्तान होता है ना, वहाँ बड़ी वहशत महसूस होती है। एक बल्ब ऐसे लटकाया गया था एक लकड़ी पे, मौलाना तलखीन पढ़ रहे, हवा चली, वो बल्ब गिरा, फूट गया, अंधेरा हो गया, मौलाना वहीं पे बेहोश हो गए। क्यों? इसलिए कि गैर तबीयी वाकया हुआ। तो अजीजों, हमने देखा अगर गैर तबीयी वाकया कुछ होता तो लोग फरार करते हैं। अजीजों, ये जो दीवारे काबा शक हुई, फातिमा बिनते असद को तो भागना चाहिए था। मैं कहूंगा बीबी आप भागी क्यों नहीं, अजब नहीं कि बीबी जवाब दे, अरे मेरे शिकम में जो बेटा है ना, वो जब गैर फरार है तो उसकी मां क्यों फरार करे। भाई जिसका बेटा गैर फरार हो तो मां क्यों कर भाग सकती है, वरना जमाने की आम औरतें होती तो वहां से फरार अख्तियार कर लेती, इसलिए कि दीवार फटे तो कोई वहां रुकता नहीं है। अच्छा अजीजो, मौलाए कायनात ऐसा नहीं कि जवानी में बड़े शुजा हो गए थे, मौलाए कायनात ने बचपने में ही कज़्ज़मना अली इब्ने अबी तालिब का लकब ले लिया था। कज़्ज़मना अली इब्ने अबी तालिब कि अबू तालिब तुम्हारे बेटे अली ने हमारे बच्चों की हड्डियां तोड़ डाली। वाकया क्या है अजीजो, पैगंबर इस्लाम जब तबलीग के लिए निकलते थे ना, तो चूंकि जनाबे अबू तालिब की इतनी वहशत थी, इतना खौफ था कि कुफार पैगंबर इस्लाम को अजियत नहीं दे सकते थे, तनहा जनाबे अबू तालिब ने पूरे मक्के को रोक रखा था। यही वजह है कि जब तक जनाबे अबू तालिब जिंदा रहे, पैगंबर इस्लाम को हिजरत की जरूरत नहीं हुई।
मक्के से हिजरत नहीं किया है। लिहाजा उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया कि जब पैगंबर इस्लाम तबलीग के लिए निकले तो उनको पत्थर मारना। लिहाजा ये बच्चे क्या झुंड में आते थे, पैगंबर इस्लाम को पत्थर से मजरू कर दिया करते थे। एक दिन पैगंबर इस्लाम आए, जनाब अबू तालिब ने देखा पैगंबर इस्लाम खून में लथपथ है, कहा मेरे भतीजे हालत किसने की, कहा चचा क्या करूं, कुफार मक्का ने अपने बच्चों को सिखा दिया है कि जब भी मैं तबलीग के लिए निकलूं तो मुझे पत्थर मारें। जाहिर सी बात है जनाब अबू तालिब शिकायत लेके गए तो उन लोगों ने हंस के कहा कि भाई ये तो बच्चों बच्चों का मामला है, इसमें बड़े लोग क्या कर सकते हैं। जनाब अबू तालिब इसी मौके की तलाश में थे, कहा भाई तुम्हारे पास बच्चे हैं तो तुम्हारे बच्चों के लिए मेरा एक बच्चा ही काफी है। अगले दिन जब पैगंबर इस्लाम जाने लगे तो जनाब अबू तालिब ने मौलाए कायनात से कहा कि अली तुम भी आज साथ जाओ। मौलाए कायनात जब चले तो जेब में खजूर की गुठलियां रख ली। रोज के मामूल के मुताबिक आज भी बच्चे मारने के लिए आए, बस मौलाए कायनात ने जेब से खजूर की गुठलियां निकाली और एक एक बच्चे को मारना शुरू किया। किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी का सर फूटा, किसी के जिस्म को चाक कर गए। लोग शिकायत लेके आए जनाबे अबू तालिब के पास, कज़मना अली इब्ने अबी तालिब, ऐ अबू तालिब तुम्हारे बेटे अली ने हमारे बच्चों की हड्डियां तोड़ दी। तो जनाबे अबू तालिब ने मुस्कुरा के जवाब दिया भाई तो बच्चों बच्चों का मामला है, इसमें हम बड़े क्या कर सकते हैं। लिहाजा खामोश तो हो गए मगर इतना जरूर पूछा कि अली ने मारा किस चीज से। तो जनाब अबू तालिब ने कहा खजूर की गुठलियों से। तो लोग यकीन नहीं कर रहे थे। अजीजों याद रखिए शायर ने एक मिसरा कहा है ना कि तलवार काटती है मगर हाथ चाहिए। अब हमें और अशरफ इमाम साहब को तलवार दे दे और उर्तुगुल गाजी के जमाने में भेज दिया जाए जंग करने के लिए तो एक ही वार में हम लोग वहीं पे ढेर हो जाएंगे। भाई तलवार चलाने को हुनर क्या हम लोगों को पता। तो तलवार काटती है मगर हाथ चाहिए। अजीजो इन लोगों ने देखा कि मारा किस चीज से, ये नहीं देखा कि किसने मारा। भाई हो सकता है बंदूक की गोली से तेज निकला, मौला कायनात के हाथ से जब खजूर की गुठलियां निकली हो तो बड़ी बड़ी मिसाइलें भी फेल हो जाएं। तो लोग यकीन नहीं कर रहे थे। तो जनाबे अबू तालिब ने कहा भाई तुम लोगों ने तारीख पढ़ी नहीं इसलिए इतराज कर रहे हो। कहा क्या, कहा जब अबरहा खाने काबा को ढाने के लिए आ रहा था तो वो अबाबील जिनकी मिनकार में जिनके पंजों में मसूर के दाने से छोटी कंकरियां थी और अबरहा का पूरा लश्कर उसकी हाथियां तबाह और बर्बाद हो गए तो लोगों ने पलट के जवाब दिया अरे भाई वो तो बैतुल्लाह का मामला था। तो जनाबे अबू तालिब ने जवाब दिया भाई ये तो रसूलल्लाह का मामला था, सलवात पड़े मोहम्मद वाल मोहम्मद पर। अजीजो ये मौलाए कायनात भी अजीब शख्सियत हैं कि जिनकी मोहब्बत के बगैर किसी का गुजारा होने वाला नहीं है। इससे पहले वो हदीस हम बयान कर चुके हैं, हदीस को दोबारा नहीं बयान करना है। आयतुल्लाह बहजत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर एक काफिर भी मौलाए कायनात से मोहब्बत करे तो ये मोहब्बत उसको भी फायदा पहुंचाएगी। अगर मेरे मौला से मोहब्बत करे तो एक काफिर को भी फायदा पहुंचाएगी। लिहाजा अजीजो एक रवायत मिलती है कि एक दिन जनाबे सलमान, बस आखिरी रवायत रब्ते मसायब और खत्म मजलिस, जनाबे सलमान एक दिन रसूलल्लाह के पास आए तो देखा रसूलल्लाह हाथों को बुलंद करके दुआ कर रहे थे और जो दुआ कर रहे थे वो अली के वास्ते से कर रहे थे, अली के वसीले से कर रहे थे। जनाबे सलमान को बड़ा ताज्जुब हुआ, कहा या रसूलल्लाह कायनात में आपसे अफजल कोई पैदा नहीं हुआ और आप मौलाए कायनात का वास्ता दे के दुआ कर रहे हैं। तो रसूलल्लाह ने कहा सलमान अगर तुम अली की मंजरत और मकाम जानना चाहते हो ना तो बकी में चले जाओ और जाके आवाज दो बिंदार बिंदार। जनाबे सलमान ने वैसे ही किया, बकी में गए और जाके आवाज दी बिंदार बिंदार। एक कवियुल जुस्सा इंसान हाजिर हुआ, कहा सलमान तुमने मुझे आवाज दी।
कहा हां। जनाबे सलमान ने कहा बता तू है कौन? कहा मैं एक यहूदी हूं, मैं एक यहूदी हूं। मेरा सेवा यह था हर रोज जब तक हजरत अली अलैहिस्सलाम के चेहरे की ज़ियारत नहीं कर लेता था अपने काम पे नहीं जाता था, कोई काम शुरू नहीं करता था। हर रोज रास्ते में आके खड़ा हो जाता था, जिधर से मौला गुजरते थे पहले मौला के चेहरे को देखता था, ज़ियारत करता था, उसके बाद अपने काम पे जाता था। कहा एक दिन मैं आके रास्ते में खड़ा हुआ, लोगों ने कहा अली तो मस्जिद चले गए, तुम लेट हो गए हो। कहा मैं एक यहूदी था, मैं मस्जिद के करीब गया, मुसलमानों के डर से मस्जिद में नहीं दाखिल हुआ, लेकिन मस्जिद के गेट में एक साइड पे खड़ा हो गया दरवाजे पे कि शायद मौला की निगाह पड़ जाए, या जब मौला नमाज पढ़ के निकलेंगे तब मैं ज़ियारत करूंगा, फिर अपने काम पे जाऊंगा, उधर कितना भी नुकसान हो उसकी फिक्र नहीं है। कहा जब तक मैं मौला के चेहरे की ज़ियारत नहीं कर लूंगा काम करने नहीं जाऊंगा। अजीजो उसने बताया जनाब सलमान को, क्या सलमान इतने में मैंने देखा कि बीचों बीच मजमे से मौलाए कायनात खड़े हुए और मेरी तरफ देख के मुस्कुराए, गोया अली को पता था कि कोई मेरी ज़ियारत करने आया है। कहा मैंने ज़ियारत किया और चला गया, इत्तेफाक से उसी दिन मुझे मौत आ गई, मुझे मौत आ गई और मैं मर गया। लेकिन अली की मोहब्बत का फायदा यह हुआ, चूंकि मैं यहूदी था लिहाजा जन्नत में नहीं जा सका, लेकिन यहूदी रहते हुए भी अली की मोहब्बत का फायदा यह हुआ कि आज जन्नत की आग मीलों मुझसे दूर है, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही है। तो अजीजो अब मुझे यहां पे कहने दीजिए, अगर एक यहूदी के दिल में मौलाए कायनात की मोहब्बत पैदा हो जाए तो जहन्नम में रहते हुए भी वो जहन्नम की आग उसे जला नहीं सकती है। तो इतना बड़ा मजमा जो अली की मोहब्बत दिल में लेके आया है, मोमिन भी है, उसे जहन्नम की आग कैसे जला सकती है? एक सलवात पड़े मोहम्मद वाल मोहम्मद पर। बस अजीजो मैंने खत्म कर दिया, अगर कोई चीज काम आने वाली है तो यही अहले बैत की मोहब्बत है। और अजीजो आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ हम इमाम हुसैन का गम मना रहे हैं, नहीं अजीजो, अल्लाह की सारी मखलूकात इमाम हुसैन का गम मनाती हैं। आप देखें मदीने के बाहर एक बाग में एक यहूदी अपनी मफलूज बेटी के साथ रहा करता था, वो यहूदी अपनी बेटी को रोज़ किस्से सुनाता था, बहुत प्यार करता था, अपाहिज थी, मफलूज थी, गूंगी थी, अजीजो बोल नहीं सकती थी लेकिन सुनती थी। एक मरतबा उसका बाप शहर गया, उसने कहा मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा, लेकिन काम में फंस गया, वापस नहीं आ सका। बेटी बेचैन थी कि मेरा बाप नहीं आया, आधी रात हो गई मगर वो बेटी सोई नहीं, चूंकि आधी थी कि जब वो किस्से सुनाता था तो सोती थी। अजीजो आधी रात के बाद उस बच्ची ने सुना कि किसी दरख्त पे कोई परिंदा बैठा हुआ बहुत शदीद गिरिया कर रहा है। वो किसी तरीके से अपने आप को घसीटते हुए उस दरख्त के नीचे ले आई, जब उस दरख्त के नीचे पहुंची तो देखा उस पर कबूतर बैठा हुआ जो गिरिया कर रहा है। अजीजो एक कतरा कोई चीज़ उसके ऊपर गिरे और वो शिफा पा गई, यानी सही हो गई, वो सही हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। जब उसका बाप वापस आया सुबह को परेशान, घर में गया देखा बेटी मौजूद नहीं, बाहर देखा एक 16 साल की लड़की टहल रही थी। कहा मेरी बेटी को देखा, उसने कहा बाबा मैं ही आपकी बेटी हूँ। कहा तुम्हें शिफा कैसे मिल गई? तो उसने कहा बाबा फला दरख्त पे कबूतर बैठा हुआ रो रहा है, वो इतना दर्दनाक आवाज में रो रहा था मैं अपने आप को संभाल ना सके, किसी सूरत से वहां तक अपने को ले गई, एक कतरा न जाने क्या चीज मेरे ऊपर गिरी कि मुझे शिफा मिल गई। वो अपनी बेटी को लेकर उस दरख्त के नीचे आया, एक मरतबा कबूतर को खुदा का वास्ता दिया कि तू बता ये क्या चीज थी जिससे मेरी बेटी को शिफा मिली। एक मरतबा हुक्म खुदा से कबूतर गोया हुआ, उसने कहा सुनो
हम लोग अपने घोंसलों में बैठे हुए हंसी मजाक कर रहे थे, इतने में कबूतर आएगा, तुम लोग हंस रहे हो, करबला के मैदान में रसूल के नवासे को शहीद कर दिया गया का बस इतना सुनना था कि हम तमाम कबूतर करबला की तरफ उड़ते हुए गए। वहां देखा तो जहरा का लाल शहीद हो चुका था, खून में गलता था, हम लोगों ने अपने पंजों को खून में तर किया और रोते हुए जिसको जिस तरफ रास्ता मिला निकल गया। हम रोते हुए यहाँ आ गए, इमाम हुसैन के खून का कतरा था जिससे तुम्हारी बेटी को शफा मिली है। अजीजो ये बताएं, जब एक कबूतर इतनी शिद्दत के साथ गिरिया कर रहा है तो आप सोचे जनाबे जैनब की हालत क्या हुई होगी। यही वजह है जनाबे जैनब ने कहा पिसरे साथ, अरे मेरा माजाया जिबा किया जा रहा है और तू खड़ा देख रहा है, अजरकुम अल्लाह। हाँ अजीजो, अहले बैत अतहार की मुसीबतें यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि इनको लाकर जिंदा ने शाम में मुकैद कर दिया गया। सरबर रहना रसन बस्ता दयार बदयार फिराने के बाद जिंदा ने शाम में ला के मुकैद कर दिया गया। एक मुद्दत तक की काफिला जिंदा ने शाम में मुकैद रहा। यजीजो यजीद की बेबी हिंद है। एक दिन उसने यजीद से कहा, यजीद में इन कनीजों इन कैदियों से मिलना चाहती हूँ, मुझे इजाजत दे दे। यजीद इजाजत नहीं दे रहा, क्यों? इसलिए कि समझ रहा कि अगर कहीं इसने अपनी शहजादी जैनब को पहचान लिया तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। लेकिन अजीजो हिंद का इसरार बढ़ा, यजीद मजबूर हुआ। उसने कहा सुनो, दिन के उजाले में नहीं रात की तारीकी में जाके मिल सकती हो। वो दिन हिंद ने कैसे गुजारा मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मिलता है कि जब रात आई एक कनीज एक कुर्सी लेकर जिंदान में आई, लाके कुर्सी रखा, बीबियों से कहा बीबी उठकर बैठ जाओ, इसलिए कि हमारी शहजादी तुमसे मुलाकात करने के लिए आ रही है। अजीजों थोड़ी देर के बाद जनाबे ज़ैनब ने क्या देखा कि हिंद कनीजों के झुरमुट में आई और आने के बाद कुर्सी पे बैठ गई। अजीजों हमने पढ़ दिया, आपने गौर नहीं किया। अरे जनाबे ज़ैनब के दिल पे क्या गुजरी होगी कि आज एक कनीज कुर्सी पे बैठी हुई है, कायनात की शहजादी जमीन पे बैठी हुई है। हिंद ने जनाबे जैनब को मुखातब किया, कभी भी ये बताएं आप कहां की रहने वाली हैं। जनाबे जैनब ने कहा हम मदीने के रहने वाले हैं। हिंद का बीबी अरबी में हर शहर को मदीना कहा जाता है, आप वाजे करें कि आप किस मदीने की रहने वाली हैं। कम मदीने रसूल के रहने वाले हैं। बस इतना सुनना था, हिंद कुर्सी छोड़कर जमीन पे बैठ गई। कहा बीबी बीबी अगर आप मदीने की रहने वाली है ना, मोहल्ले बनी हाशिम से वाकिफ होंगे। जनाबे ज़ैनब ने कहा मैं वाकिफ हूं। कहा अगर मोहल्ले बनी हाशिम से वाकिफ है तो मेरे आका हुसैन को भी जानती होंगी, शहजादी ज़ैनब को भी जानती होंगी। बस जैसे ही जनाबे ज़ैनब ने जिंदाने शाम में हिंद की जबान से अपना नाम सुना, जनाबे ज़ैनब खामोश हो गए, आंसुओं का सैलाब आंखों से जारी हो गया। हिंद का बीबी आप जवाब क्यों नहीं दे रही है। जनाबे ज़ैनब ने जब्त किया, कहे बीबी ये बताएं क्या इस जिंदाने शाम में अपनी शहजादी ज़ैनब को देखेंगे तो पहचान लेंगे। बस इतना कहना था कि हिंद की त्योरियां बदल गई, कहा बीबी कैसी बातें कर रही हो, अरे कहां ये जिंदाने शाम, कहां मेरी शहजादी ज़ैनब। बस जनाबे ज़ैनब ने चेहरे से बालों को हटाया, अरे अरे मैं ही तेरी शहजादी ज़ैनब हूं। हिंद तड़प गई, बीबी अरे आका हुसैन कहां है, आका अब्बास कहां है, शहजादे अली अकबर कहां है। जनाबे ज़ैनब ने कहा हे अरे करबला के मैदान में जनाबे सैयद की खेती को उजाड़ दिया गया, तुम्हारे आका को शहीद कर दिया गया, अब्बास के बाजू फुरात के किनारे कलम हो गए, अली अकबर अपने सीने पे नज़े की यानी खा के शहीद हो गए, हमें सरब रहना रसन बस्ता दयार बदयार फिराया गया। जैसे हिंद ने सुना ताबे जब्त न रहे, सर से चादर फेंकी, दौड़ी हुई दरबार में आए, यजीद तुमने तो कहा था कुछ खारजियों ने खुरूज किया है, तुमने मेरी शहजादियों के साथ क्या सलूक किया, तुमने मेरे आका हुसैन को शहीद करा दिया। हिंद जल्दी से यजीद जल्दी से उठा, अपनी अबा हिंद के सर पे डाल दे, ऐ हिंद खुले सर दरबार में क्यों आ गई। हिंद ने यजीद को देखा, यजीद अरे तेरी नामू
उस खुले सर दरबार में आ गए, तुझसे देखा ना गया। रसूल अल्लाह की बेटियों को सरवरह ना दयार बदयार फिराया गया, दरबारों में लाया गया। यजीद तुझे शर्म ना अला लानतुल्लाह अलल कौम अज़्ज़ालिमीन सयालमु लज़ीना ज़लमू अय्यमन यन्क़लिबून। बारह तुझे वास्ता मोहम्मद और आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम का हमारे इस मुख्तसर से अज़ा को कबूल फरमा। ए मेरे महबूद हमारे नासों को रुमाल जनाब सैयदा में जगह इनायत फरमा। ए मेरे महबूद हमारे नासों को रोज़े महशर हमारी शफात का ज़रिया करार फरमा। बारह हमें जो लोग परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो लोग मकरूज हैं गैब से उनके कर्ज़ों की अदायगी फरमा। जो लोग मरीज़ हैं बीमार करबला के सदक़े में उन्हें शफाए कामिल व आजिल अता फरमा। ऐ मेरे महबूब जिन मरहूमीन के लिए उनके इसाले सवाब के लिए मजलिस रखी गई उनकी मगफ़रत फरमा। उन्हें जवारे अइमे मासूमीन में जगह इनायत फरमा। उनके दर्जात को बुलंद फरमा। उनकी कब्रों को बाग जन्नत से बाग करार फरमा। उनकी कब्रों पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा। ऐ मेरे महबूब सबसे बेहतरीन दुआ हमारे आका और मौला के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सबको इमाम के आवान अंसार में शुमार फरमा। व तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप हज़रात से इल्तिमास है एक मरतबा सूरह हम्द तीन मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूम मग़फ़ूर सैयद नूरुल हसन इब्ने मोहम्मद अस्करी रईस बानो बिनते शौकत हुसैन मोहम्मद तकी इब्ने नूरुल हसन आफ्ताब हुसैन इब्ने नूरुल हसन की रूह को बख्श। ورحمة الله وبركاته أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه اللهم फ़क्तुबना मा अश्शाहिदी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।